मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के सिर्फ 4 महीने बाकी हैं। लगातार राजनीतिक पार्टियां में उठापटक शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में लगातार भाजपा के जो लोग हैं टूटकर आ रहे हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश के कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद जी हैं, हम बात करेंगे। आनंद जी, लगातार मध्य प्रदेश में भाजपा के जो लोग हैं वो टूटकर कांग्रेस में आ रहे हैं और अभी बहुत बड़ा सिंधिया समर्थक है बैजनाथ सिंह का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चला चली की बेला में है, ये डूबता हुआ जहाज है और ऐसे डूबते हुए जहाज पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है। और बैजनाथ सिंह जी तो हमारे अपने हैं, उनकी विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा है, तो कुछ परिस्थितियां ऐसी रही थी जिसमें उन्हें उधर जाना पड़ा था। वो आए हैं तो हमें बहुत खुशी है कि हमारे हाथ उनके हाथों से मजबूत होंगे और कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। हम लोग बैजनाथ सिंह जी के साथ मिलकर शिवपुरी जिले में जनता की लड़ाई और मजबूती से लड़ पाएंगे। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव के नेतृत्व में बैजनाथ सिंह जी सहित और विनोद यादव जो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है, क्या लग रहा था कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी इलाके में कांग्रेस कमजोर है इसलिए इसको तोड़ के लाया? नहीं, मध्य प्रदेश में आज बच्चा बच्चा जो है कांग्रेस पार्टी और आदरणीय कमलनाथ जी के सक्षम नेतृत्व में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। और पूरे मध्य प्रदेश में एक कमीशनखोरी की है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके खिलाफ एक माहौल है। उस माहौल के कारण जो है पूरे मध्य प्रदेश की जनता जो है वो कमलनाथ जी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ के पंजे के साथ लग रहा। माहौल क्या लग रहा मध्य प्रदेश में इस बार? कांग्रेस बीजेपी ने दावा करी 200 के पार सीट का। पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो अमित शाह जी आए थे और उन्होंने कहा था अब की बार 200 पार। कहां रह गए थे मेरे यार? इस बार जो है मध्य प्रदेश में आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि 150 से अधिक सीटें आएंगी। मैं कह रहा हूं 175 सीटों से एक भी सीट मध्य प्रदेश में कम कांग्रेस की नहीं आएगी। और भारतीय जनता पार्टी की लूट की, झूठ की और सौदेबाजी की सरकार 50 सीटों से भी अधिक नहीं जीत पाएगी। और आपको नितिन जी मैं कहता हूं, ये लिख कर रख लीजिए कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 50 सीट भी नहीं जीत पाएगी। कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में विधानसभा में सरकार बनाने जा रही है। बैजनाथ सिंह जी को क्या पता नहीं मिला इसलिए कांग्रेस में आ रहा है? नहीं, बैजनाथ सिंह जी की विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा है, वे हमारे अपने हैं, तो उन्होंने चीजों को देखा समझा और उसके बाद जो है वापस कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में आने का फैसला किया। और कमलनाथ जी का, दिग्विजय सिंह जी का जो सक्षम नेतृत्व है उस नेतृत्व को पुनः अपनाने का उन्होंने फैसला किया और हम सब कांग्रेस कार्यकर्ता उनके आने से बहुत खुश हैं। वे आए हैं, उनका खुले दिल से स्वागत है। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और मध्य प्रदेश में लगातार जो पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है या आप पार्टी है, तमाम जो पार्टियां वो चुनावी माहौल में दिखाई दे रही हैं। और कांग्रेस में आज बैजनाथ सिंह यादव ने ज्वाइन कर लिया है। एबीपी न्यूज के लिए कैमरामैन विजय के साथ भोपाल से नितिन ठाकुर की रिपोर्ट।